नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है और मैं आपका रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट्स के चैनल में आपको स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको सिखाऊंगा कैपिटल गेन। जी हाँ, कैपिटल गेन सिखाऊंगा मैं आपको। और कैपिटल गेन होता क्या है? असल में कैपिटल गेन होता है एक ऐसा गेन जो एसेट्स की सेल पर होता है, लेकिन वो एसेट्स नहीं जिसको हम डेली यूज बेचते रहते हैं और खरीदते रहते हैं। नहीं, अगर हमारे पास बहुत पहले की कोई एसेट्स है और उसे आज हम सेल करेंगे, तो सेल करने पे जो भी प्रॉफिट होगा, गेन होगा, वो हमारा कैपिटल गेन होगा। लेकिन कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जी हाँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अभी आपको बताते हैं, फिलहाल जो एसेट्स में 2017-18 के लिए रूल है, उसमें अगर आप कोई एसेट्स 3 साल से कम अपने पास रखते हो और उसे सेल आउट कर देते हो 3 साल तक रखकर, तो उसमें जो होगा गेन होगा उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आप कोई एसेट्स 3 साल से ज़्यादा अपने पास रखी है, उसे आप बेचोगे, तो उस पर होने वाला गेन आपका होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम के लिए शॉर्ट टर्म और 3 साल ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म। तो इसे याद रखना। कैपिटल एसेट्स क्या होती है? मैंने बताया कि वो एसेट्स जो आपने काफ़ी पहले से अपने पास रखी हुई हैं और उसे आप बेच रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है एसेट्स में कि जो आप डेली अगर बेचते हो और डेली यूसेज में बेचना खरीदना वो आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं होती है, वो ट्रेडिंग गुड्स होता है, ठीक है। तो उससे होने वाला गेन, ट्रेडिंग गुड्स से होने वाला गेन कैपिटल गेन में नहीं आता, ठीक है। आपकी कोई पर्सनल यूज़ की चीज़ हो, या फिर कोई आपकी ज़मीन हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, मकान हो, उसे आप बेच दोगे, तो उससे होने वाला गेन कैपिटल गेन होगा, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और अच्छी से बनाऊंगा उसके लिए वीडियो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी अभी दुबे से रिक्वेस्ट आई थी कैपिटल गेन का 14 क्वेश्चन करने के लिए। मैं 14 क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ बेसिक कुछ एडवांस, ठीक है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को, हाँ लाइक करते हैं। अभी दुबे की रिक्वेस्ट पर क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं किस तरह से होता है। यहाँ लिखा हुआ है, मिस मीनाक्षी हैड परचेज शेयर इन ए कंपनी ऑन 1st March 1984 फॉर ₹21,800। यानी कि मिस मीनाक्षी ने शेयर खरीदे कंपनी में 84 में। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो एसेट्स कंसीडर की जाती है वो 1981 के बाद वाली की जाती है, उससे पहले वाली कोई नहीं की जाती है। अगर उसके पहले की कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते, जो 81 के आसपास की वैल्यू होगी उसे ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है हमारे पास ₹21,800 के शेयर खरीदे, एंड ऑन 1st March 2016 में भी शेयर खरीदे हैं 22,300 के। दो बार शेयर खरीदे, सी सोल्ड द शेयर ऑफ 1st March 2016, यानी उसने शेयर को बेचा है। कब बेचा है? 1st March 2016 वाले शेयर को बेचा है 80,000 में, 1st जनवरी 2017 में। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे मार्च में खरीदा और जनवरी में बेच दिया, लगभग 9 महीने अपने पास रखा। शेयर्स के लिए ये जो समय होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोलने का, वो होता है 12 मंथ, यानी कि 1 साल। 1 साल से कम अगर हमने अपने पास रखा है कोई एसेट्स शेयर, तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म एसेट्स हो जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि इसने मार्च 2016 में खरीदा और 1 जनवरी 2017 में बेच दिया शेयर में, ठीक है। सी ऑल्सो सोल्ड हर ज्वेलरी बेच रही है फॉर 6 लाख में ऑन द सेम डे, यानी सेम डे उसी डे में बेच रही है जनवरी में, विच ही हैड परचेज शी हैड परचेज फॉर 42,000 ऑन 1st August 1986 में। अब देखो, 1986 में खरीदी हुई ज्वेलरी अब बेची है इसने कब? 2017 में। अब ये मत सोचना कि 42,000 की ज्वेलरी अब इसने 6 लाख में बेची तो पूरा डिफरेंस जो भी होगा वो गेन होगा, नहीं। यहाँ पर गेन जो होगा वो
पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज की जाएगी 42,000 की आज के टाइम के अकॉर्डिंग, और फिर देखेंगे कि कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। सी इन्वेस्टेड द फुल कंसिडरेशन फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल दीज एसेट्स इन द एक्विजिशन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस ऑन द सेम डे। यानी जो भी एसेट्स बेचकर पैसा आया था उसने सारा पैसा लगा दिया नए हाउस को खरीदने में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एसेट्स को शेयर को बेचा और पैसे आए और उसको हमने कहाँ लगाया, हाउस खरीदने में। ज्वेलरी बेची, पैसे आए, उसे कहाँ लगाया, हाउस खरीदने में। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, हाउस में, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म एसेट्स को बेचकर आप हाउस खरीदना चाहो तो वहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलती। ठीक है, वहाँ जो गेन होगा सो गेन माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो गेन हुआ होगा उससे कम एग्जेम्पशन में खत्म कर देंगे कि आपने एग्जेम्पशन ले ली और नए हाउस को खरीदने में। ठीक है, और यहाँ बोला है कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस मीनाक्षी फॉर द फिस्कल ईयर 2017-18 एज्यूमिंग दैट शी डिड नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ शेयर एंड ज्वेलरी। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर दे रखा है 1983-84 के लिए, 86-87 के लिए और 2016-17 के लिए 116-140-1125। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से कर दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले आपको लिखना है कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18। आप यहां लिख सकते हैं गेन के आगे ऑफ मिस मीनाक्षी। ठीक है, अब यहां पे दो चीज बेची गई थी, सेल ऑफ शेयर दो बार खरीदे थे लेकिन बेचे एक ही बार हैं। एक बार खरीदे 84 में, एक बार खरीदे 2016 में। तो बेचे थे 2016 वाले, बेचे हैं, पहले वाले ने बेचे नहीं। फिलहाल जो बेचा वो दिखा दिया। सेल ऑफ शेयर 80,000 लेस किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी इसको प्राप्त करने की लागत कितनी थी 22,300। जो डिफरेंस आया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, आपने 22,300 वाली चीज को 9 महीने रखने के बाद 80,000 बेच दिया, जो गेन हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, आपने ज्वेलरी भी बेची है 6,00,000 में, और इसके लिए हमने यूज किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो एसेट्स हमारी जो होती है शेयर को छोड़कर, शेयर डिवेंचर छोड़कर कोई भी एसेट्स है, अगर वो 3 साल से ज्यादा रही है हमारे पास तो उसके लिए एक्विजिशन कॉस्ट निकालने के लिए इंडेक्स का यूज करना पड़ता है। तो 42,000 की हमने ये खरीदी थी 1986 में, उस टाइम इंडेक्स नंबर चला था 140। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है ये 140, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 140 इंडेक्स नंबर चल रहा था, उसे डिवाइड कर दिया 1125 जो कि आज के लिए है, जो प्रीवियस ईयर हमारा है उसके लिए दे रखा है 16-17 के लिए, ये है हमारा 1125, उससे मल्टीप्लाई किया। यानी जो कॉस्ट हमने जब खरीदी थी उस समय इंडेक्स नंबर से डिवाइड और आज के टाइम से मल्टीप्लाई, क्या आ गई कीमत 3,37,500। तो हमने लेस किया यानी कि बैलेंस हमारा निकल गया 2,62,500। ये एक तरह से मेरे कैपिटल गेन ही है, लेकिन एग्जेम्पशन मिल रही है क्योंकि हम क्वालिफाई करके एग्जेम्पशन लेने के लिए। एग्जेम्पशन कौन से अंडर सेक्शन से मिल रही है, 54F। देखो बहुत सारे 54 के अकॉर्डिंग है, 54B है, 54 है, 54G है, 54F है और EC है। ठीक है, कई सारे एग्जेम्पशन के होते हैं अंडर सेक्शन, तो हमें कंडीशन देखनी पड़ती किस जगह क्या लगेगा। यह हमने ज्वेलरी बेच के नया हाउस खरीदा है तो 54F है, अगर हाउस बेचकर हाउस ही खरीदते तो 54 लगता। एग्रीकल्चर लैंड बेचकर हाउस खरीदते 54G लगता, सॉरी बी लगता है, 54B। ठीक है, तो इस सबको ध्यान देना पड़ता है कौन सी चीज कहाँ कहाँ लगेगी। ठीक है, तो हमने हाउस खरीदा और सारा पैसा हमने लगा दिया कहाँ पे, उस हाउस के खरीदने में। तो हमने क्या किया, जितना भी गेन बचा था वो सारा इसमें यूटिलाइज हो गया, तो अब गेन क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो पूरे क्वेश्चन में गेन कितनी बार है, सिर्फ एक बार गेन हुआ है, वो भी शॉर्ट टर्म। तो आंसर हम लिख देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 57,700, यही आंसर है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी दो भाई समझ में आया आपको, और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं आंचल, बरखा, काजल, जितने भी हैं रजत, विष्णु,
मैं सब कह रहा लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सभी मेरे जो स्टूडेंट है वो भी इसे ढंग से देखें समझें। कैपिटल गेन अगर भूल चुके हों कि पेपर में आने वाला है, ठीक है 26 तारीख पेपर है इनकम टैक्स का, तो तैयार रहना, क्वेश्चन को तैयार कर लेना अच्छे से, और मैं और क्वेश्चन डालूंगा तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। और जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, ठीक है, थैंक यू।